हेलो स्टूडेंट्स, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 और उसमें हम ले रहे हैं कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस। तो टाइप वन में हमने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह के क्वेश्चंस क्या हैं? वो क्वेश्चन है जब आपके पास रेशो गिवन होगा, ठीक है। एटलीस्ट जब आप एक्सरसाइज 7.2 कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कब बात कर रहा हूँ। आपके पास सेक्शन फार्मूला यूज़ हो रहा है जिसमें हम कहते हैं टू पॉइंट्स गिवन है, वो लाइन सेगमेंट बना रहे हैं और थर्ड पॉइंट निकालना है अगर वो थर्ड पॉइंट किसी रेशो में डिवाइड कर रहा हो। तो रेशो गिवन होगा, आपको पॉइंट फाइंड करना होता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। तो ये टाइप वन है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8, 9, इन सारे क्वेश्चंस में आपको रेशो किसी ना किसी तरह से गिवन है। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट रेशो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी गिवन है, तो 2 और 9 में भी दूसरी तरीके से गिवन है, तो हम देखेंगे। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ज़रा। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। मैं हमेशा कहता हूँ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करती है, तो मैं लिख भी रहा हूँ, तो थोड़ा सा फोकस करिए क्वेश्चन क्या हो रहा है। जॉइनिंग 4-1 एंड -2, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-1 एंड -2, -3। तो ये लैंग्वेज है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की। अब इसको ज़रा इंटरप्रेट करते हैं, हो क्या रहा है। आपको कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट का जो ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ लाइन सेगमेंट। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है। प्लीज़ ध्यान से देखिए, देयर इज अ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट गिवन है 4-1। सपोज अनदर पॉइंट इज बी, -2, -3। अब यह हमसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स, तो देयर मस्ट बी 2 पॉइंट्स Dividing this line segment into 3 equal parts। तो यही हमारे पास important है और आपको इनके P, Q के coordinates निकालने हैं। तो इसको हम कह सकते हैं x1, y1 और इसको हम कह सकते हैं x2, y2, या मैं x1, y1, x2, y2 भी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि फार्मूले में आप कभी confuse हो जाओ। आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि let P and Q trisect AB। अब क्योंकि आप पॉइंट तभी निकाल सकते हैं जब आपको रेशो गिवन हो, या कोई रेशो गिवन नहीं है, लेकिन इतना पता है ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो दिस रेशो is 1:1:1। लेकिन आपको 3 रेशोज़ का तो नहीं आता, आपको तो 2 रेशोज़ का आता है। तो अगर आप ये कंसिडर करें कि सर अभी हम क्यू को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पी को कर रहे हैं, तो फिर ये 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर ये 2 पार्ट्स मिल जाएंगे तो 1+1 2 हो जाएगा। अब आप P निकाल सकते हैं, लेट P एंड Q ट्राइसेक्ट ए बी, सो P डिवाइड्स ए बी इंटू 1:2 रेशो। तो बेटे आप ये कर सकते हो। अब क्योंकि आपके पास 1:2 रेशो आ गया तो आप P निकाल सकते हो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ डायरेक्ट, अब अगर प्रैक्टिस हो गई हो तो फिर X1 Y1 ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट P निकाल सकते हो। तो P विल बी, आपको अब थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा, m1 x2 1 into -2। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, थोड़ा सा आइडिया होगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। प्लस m2 x1 अपॉन m1 plus m2। अब y निकालना है तो फिर y से मल्टीप्लाई करिए, m1 y2
वन इंटू माइनस थ्री, माइनस को थोड़ा सा ध्यान से ब्रैकेट में, प्लस एम टू वाई वन टू इंटू माइनस वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, दैट्स इट, ये मैं बस। तो हमारे पास क्या होगा बेटे, p हो जाएगा माइनस टू, टू फोर जा एट, एट माइनस टू सिक्स, सिक्स अपॉन थ्री, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो टू, और ये आपके पास आएगा माइनस थ्री एंड माइनस टू, माइनस फाइव बाई थ्री, तो ये आपके पास p आएगा। ठीक है बेटे, अगर आपने p फाइंड कर लिया, हम इस लैंग्वेज को हटा, अब आपको फाइंड करना है q। हमने तो कहा था कि भाई हम ट्राइसेक्ट कर रहे हैं थ्री इक्वल पार्ट्स, तो एक पॉइंट और होगा, अभी तो फिलहाल हमने कंसिडर नहीं किया था, तो हमारे पास एक और पॉइंट है q, हमें ये निकालना है। अब दो ऑप्शन है q के आपके पास, एक तरीका तो ये है, क्योंकि आप p तो फाइंड कर चुके, एक तरीका तो ये है कि भाई अब हम ये कोशिश कर सकते हैं कि ये p नहीं है, तो सिर्फ ये है q, तो इधर वन प्लस वन टू पार्ट हो गए, क्योंकि हमने आपसे कहा था थ्री, वन इज टू वन इज टू वन, तो इधर वाले टू पार्ट्स हो गए, अगर p को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इधर वन पार्ट हो गया, तो एक तरीका तो ये आपके पास बचता है कि आप ये कह सकते हो, नाउ q डिवाइड्स ए बी इन टू टू इज टू वन रेशो, और आप q निकाल सकते हैं। निकाल देता हूँ, फिर मैं एक मेथड और बताता हूँ आपको दूसरा। तो अब आपके पास q क्या होगा बेटे, अब q निकालना है, m1 x2 2 into minus 2 plus m2 x1 1 into 4, हम एक और मेथड लेंगे, एंड m1 plus m2, m1 y2 2 into minus 3, m2 y1 1 into minus 1, एंड एम वन प्लस एम टू, आपके पास क्या आ गया भाई, माइनस फोर प्लस फोर ज़ीरो, एंड माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सेवन, तो आंसर क्या आया, सो पी टू माइनस फाइव बाई थ्री एंड क्यू ज़ीरो माइनस सेवन बाई थ्री ट्राइसेक्ट ए बी, तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, लेकिन मैं क्यू के लिए आपसे क्या कह रहा हूँ बेटे, आप ज़रूरत नहीं है आप क्यू को ऐसे करें, प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, आप ये भी कंसीडर कर सकते थे बेटे, क्योंकि अब आपके पास पी आ चुका है, प्लीज़ ध्यान से देखो आप सब बच्चे, आपके पास पी आ चुका है, ये पी आपके पास आया है टू माइनस फाइव बाई थ्री, और ये बी आपके पास है। अब आप क्या कह रहे हो कि सर हमारे पास क्या है, ये वन है, ये वन है और ये वन है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ बेटा जी सिर्फ इसकी बात करें पी बी की, तो ये वाला रेशो वन इज टू वन हो गया, और अगर आपको आइडिया है मिड पॉइंट का, तो इन दैट केस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, तो आप ये भी कह सकते हो, नाउ क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी, और मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, मैं आपके लिए पहले फॉर्मूला लिख दूं फिर अप्लाई कर दूंगा, मिड पॉइंट होता है x1 वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड y1 वन प्लस वाई टू बाई टू, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, तो आप तो वैसे ही लिख दिया, मैं उससे समझाया, तो अब क्यों क्या होगा, ये मेरा x1 है बेटे, इन दोनों का मिड पॉइंट है, a का नहीं है ध्यान रखना, तो a को रखे रब करके, तो x1 वन प्लस एक्स टू, लेकिन ये माइनस में है, तो ध्यान से देखो टू प्लस, आप चाहो तो प्लस माइनस माइनस कर सकते थे लेकिन बाद में कर देना, अपॉन टू एंड माइनस फाइव बाई थ्री प्लस, ये माइनस फाइव बाई थ्री प्लस माइनस थ्री बाई टू, ये हमारे पास होगा बेटे एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, सिंप्लीफाई कर दो, टू माइनस टू तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो बाई टू इज़ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ही आना है, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस नाइन माइनस नाइन माइनस फाइव माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन बाई टू, ये हमारे पास आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस फोर्टीन बाई टू इज माइनस सेवन, और ये थ्री भी आएगा, थ्री टू जा सिक्स, तो आपके पास आएगा टू थ्री जा सिक्स, तो टू से आ गया सेवन, तो आपके पास आ गया कितना बेटे क्यू, ज़ीरो माइनस सेवन बाई थ्री, तो यही हमारा आंसर आ रहा था उससे भी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास दिया है तो वन इज़ टू टू और टू इज़ टू वन से पी क्यू निकाल दीजिए, या फिर
पी निकालने के बाद आप मिड पॉइंट से करिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसी पे, जब आपसे कहता है फोर इक्वल पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 9, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन वीडियोज़ को आप देखिए, दो दो तीन तीन बार देखिए। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आए तो मेरे YouTube चैनल पे आप कमेंट करिए, मालूम करिए, उसमें आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे एक नंबर है, आप अगर उससे WhatsApp करेंगे तो फिर मैं आपसे डायरेक्ट भी बात कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चे।